हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यू आर वॉचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के डाउट्स, क्योंकि सभी सेंटेंस आप देखेंगे कि यहाँ पर तीन तरीके का अलग अलग रूल्स है। यहाँ पर देखेंगे पहला ये हुआ और दूसरा ये है, लेकिन आप देखेंगे और ये तीसरा ये, लेकिन आप देखेंगे कि सभी एक तरह देखने में लग रहे हैं, लेकिन इन सब के बनाने के रूल्स जब आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे या फिर लिखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट तो देखने में लग रहा है, लेकिन ये है या नहीं है ये जानना जरूरी है। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप डीपली जानिए, बारीकी से जानिए, ताकि आप उसे इंग्लिश में बोल पाएंगे या फिर लिख पाएंगे। क्योंकि अगर देखें यहाँ पर खा चुका है, सो चुका है, चलो भाई ठीक है, लेकिन आ चुका है, बच चुकी है, खो चुका है, ये फिर बैठा हुआ है, खोया, सोया हुआ है, लेटा हुआ है, जगा हुआ है, लटका हुआ है, तो ये सभी जो है प्रेजेंट परफेक्ट की तरह देखने में लग रहा है या नहीं, वो तो हमें इसे जब हम बनाएंगे सबके रूल्स को बताएंगे तो पता चलेगा। अगर सिंपल में जो आप पढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जिस हिंदी वाक्यांत में चुका है, चुकी है, या है, ई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो पहचान है। लेकिन उसका रियल मीनिंग क्या है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन प्रेजेंट में अभी अभी ख़त्म हुआ हो या फिर रिसेंट पास्ट में ख़त्म हुआ हो। मान लीजिए कि आज सवेरे आपने कोई काम किया या फिर कुछ समय पहले आपने किसी काम को किया, मतलब उसे प्रेजेंट में आप बोल सकते हैं। तो लेकिन उसके आगे क्या क्या होगा उससे देखेंगे, लेकिन सबसे बेस जो प्रेजेंट परफेक्ट का है, बेस पहले उसे जान लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह के सेंटेंस में डाउट आता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह के सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के साथ में हैव, हैज और प्लस V3 और ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो एक एक करके पहले देख लेते हैं। जैसे मैं तुम्हारा खाना खा लिया है, मैंने तुम्हारा खाना खा लिया है, तो इसका मीनिंग जो भी हो, आपका रखा हुआ खाना मैंने खा लिया है या फिर आपने कहा तो आपका खाना खा लिया, तो क्या हुआ देख लीजिए। तो मैंने तुम्हारा खाना खा लिया है, तो एक एक करके देख लीजिए, आई हैव ईटन योर फूड, eaten your meal, I had eaten your food बोल सकते हैं, मैंने तुम्हारा खाना खा लिया है, सिंपल है। इससे पहले देख लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। मैं सो चुका हूँ, अब याद रखिए सेंस को समझिए, मैं सो चुका हूँ, अभी मैं अपने बारे में आपको बोल रहा हूँ कि मैं सो चुका हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अभी मैं सो कर आया हूँ, कुछ देर पहले मैंने सो लिया है, क्योंकि सो लिया हूँ या सो चुका हूँ का मतलब है कि ये काम अभी अभी समाप्त हो चुका है। तो मैं सो चुका हूँ तो हम लिखेंगे आई हैव स्लिप्ड का मतलब ये हुआ कि मैंने सो लिया है या फिर मैं सो चुका हूँ। उसके बाद है वह अपना घर जा चुका है, इसका मतलब ये है कि अभी अभी कुछ समय पहले वह अपना घर जा चुका है। तो फिर क्या करेंगे, ही हैज और हम हैव हैज का प्रयोग तो सेंटेंस के अनुसार, ये जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार हम ध्यान देंगे, तो ही हैज और वो अपना घर जा चुका है तो गॉन टू हीज हाउस, वह अपना घर जा चुका है। उसके बाद है मैं नाश्ता कर चुका हूँ, मतलब अभी अभी वर्तमान में ही मैंने नाश्ता कर लिया है, तो आई हैव और नाश्ता कर लिया है नाश्ता, तो आई हैव Had my breakfast. I have had my breakfast. अब बोलेंगे कि had कैसे हो गया, तो have breakfast मतलब होता है नाश्ता करना, तो उसका V3 यहाँ पर मैंने लिख दिया had my breakfast. उसके बाद है कि मैं दवा ले चुका हूँ, मतलब मैं दवा खा चुका हूँ, तो फिर क्या होगा, तो I have taken medicine. I have taken medicine मतलब मैं दवा ले चुका हूँ या फिर मैं दवा खा चुका हूँ। तो इसमें क्या है कि कोई भी काम अभी अभी वर्तमान में प्रेजेंट में समाप्त हुआ है या फिर रिसेंट पास्ट में समाप्त हो गया है, लेकिन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर सेंटेंस है सितंबर आ चुका है, तो फिर आपको ये सोचना है कि सितंबर अभी आया है या फिर पहले दो चार दिन पहले आ गया। मान लीजिए आज 9 तारीख है, तो फिर सितंबर कब आया,
एक तारीख को आया तो फिर 9 दिन पहले आया, इसका मतलब यह हुआ कि यह कार्य या एक्शन पास्ट में पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। सितंबर आने का काम पास्ट में ही पूर्ण रूप से खत्म हो गया और वर्तमान से इसका कोई लेना देना नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि सभी सेंटेंस उसी प्रकार है, घंटी बज चुकी है, मेरी कलम खो चुकी है, पीर गिर चुका है, बर्फ गिर पिघल चुकी है, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस और इज या फिर आर और एम, तो खैर यहाँ पर एम भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इज आर एम और उसके बाद में फिर वी थ्री का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार होगा देख लीजिए, जैसे सितंबर आ चुका है, यहाँ पर क्या करेंगे, सितंबर इज कम लगेगा, आपको लगेगा बिल्कुल अलग सा लगेगा, लेकिन याद रखें कि जब पास्ट में कोई काम कोई एक्शन पूर्ण रूप से खत्म हो चुका होता है तो उस कंडीशन में टू बी प्लस वी थ्री का ही प्रयोग करेंगे। घंटी बज चुकी है, अब ये काम भी घंटी बज चुकी है तो अभी खत्म बजी नहीं, तो घंटी बज चुकी है पास्ट में बजी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे द बेल इज गॉन, द बेल इज गॉन मतलब घंटी बज चुकी है। उसके बाद है मेरी कलम खो चुकी है, मान लीजिए मेरी कलम खो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी अभी खो गए, इसका मतलब है कि पास्ट में मेरी कलम खो चुकी है और खोने का काम खत्म। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मेरी कलम खो चुकी है तो माई पेन इज, और क्या बोलेंगे, सिंपल माई पेन इज लॉस्ट, My pen is lost, मेरी कलम खो चुकी है। लोग बोलते भी हैं कि भाई मेरी कलम lost हो गया या हो गई कुछ भी, तो my pen is lost, मेरी कलम खो चुकी है। उसके बाद है पेर गिर चुका है, मान लीजिए आप गए अपने गार्डन में गए चाहे कहीं तो देखा, आपने देखा कि पेर गिरा हुआ है, तो ये गिरने का काम भी पास्ट में पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे द ट्री इज फॉलन, द ट्री इज फॉलन मतलब पेड़ गिर चुका है, गिरने का काम पास्ट में ही पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। उसके बाद है बर्फ पिघल चुकी है, तो मान लीजिए बर्फ है तो क्या अभी अभी जस्ट पिघल गई, नहीं, पास्ट में पिघलने का काम खत्म हो गया मतलब बर्फ पिघल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, द आइस इज मेल्टेड, द आइस इज मेल्टेड बर्फ पिघल चुकी है। अब देखेंगे यहाँ पर बैठा हुआ है सोया हुआ है, इससे आप क्या, इसे कुछ न्यू ट्रिक से आप सीखेंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता क्या है कि कोई काम कोई एक्शन अभी अभी खत्म हो चुका होता है, ये खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे वह कुर्सी पर बैठा हुआ है मतलब बैठने का काम जारी है, राजू सोया हुआ है का मतलब सोने का काम जारी है चल रहा है, और मैं बिछावन पर लेटा हुआ हूँ ये भी काम जारी है, बच्चा अभी जगा हुआ है जारी है, यह पंखा से रुमाल लटका हुआ है, जबकि इससे पहले मैं लिखा था कि मैं सो चुका हूँ और यहाँ पर क्या है राजू सोया हुआ है, तो मैं सो चुका हूँ का मतलब मेरा सोने का काम खत्म हो चुका है, मैं अभी जगा हुआ हूँ, और यहाँ पर है कि राजू सोया हुआ है का मतलब जारी है। तो इस तरह का सेंटेंस में देखेंगे कि कोई काम जारी है ऐसा प्रतीत होता है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम और इसके साथ में वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव हैज प्लस वी थ्री होता है और उसमें कोई काम अभी अभी समाप्त हो चुका होता है, लेकिन इसमें काम अभी भी जारी है, एक्शन अभी भी जारी है, तो इसलिए क्या करेंगे, इस तरीके से आपको बनाना है, जैसे वह कुर्सी पर बैठा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, ही इज सीटिंग ऑन द चेयर, He is sitting on the chair. वह कुर्सी पर बैठा हुआ है का मतलब बैठने का काम जारी है, एक्शन जारी है, एक्शन चल रही है। राजू सोया हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, राजू is sleeping मतलब राजू सोया हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे एक्शन जारी है, राजू has slept आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद है मैं बिछावन पर लेटा हुआ हूँ, अपने ही बारे में, मैं बिछावन पर लेटा हुआ तो क्या करेंगे आप, आई एम लाइंग ऑन द बेड, इसमें भी एक्शन जारी है, मैं बिछावन पर लेटा हुआ हूँ, एक्शन खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद है बच्चा अभी जगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, द चिल्ड्रेन
द चिल्ड्रेन आर, और इसके लिए जो सुंदर वर्ड है हम डायरेक्ट लिखेंगे अवेक। द चिल्ड्रेन आर अवेक का मतलब है कि बच्चा जगा हुआ है। उसके बाद है पंखा से रुमाल लटका हुआ है। अब ये एक्शन जारी है, पंखा से रुमाल लटका हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अ हैंकी, अ हैंकी इज हैंगिंग, अ हैंकी इज हैंगिंग फ्रॉम द फैन, फ्रॉम द फैन, पंखा से रुमाल लटका हुआ है। तो आप देख रहे हैं अंतर क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी काम पूर्ण रूप से समाप्त वर्तमान में हो जाता है, और दूसरे जो रूल है इसमें कोई काम पास्ट में ही पूर्ण रूप से खत्म हो चुका होता है, और यहाँ जो थर्ड में है इसमें काम अभी जारी है, और इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस नहीं हुआ। इतने याद रखेंगे, जब एक्शन जारी है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हुआ बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हुआ। तो होता क्या है कि हम पहचान के आधार पर सेंटेंस बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो वो गलत होगा। बल्कि सिचुएशन को समझिए कि एक्शन चल रही है, जारी है, खत्म हो गई, इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की, और आज का सवाल है मेरी पुस्तकें गायब हो चुकी है, मेरी पुस्तकें गायब हो चुकी है, तो कौन सा रूल काम करेगा यहाँ पर, सेकेंड रूल। मान लीजिए मेरी पुस्तकें गायब हो चुकी है तो अभी आंखों के सामने तो अभी अभी गायब हुआ नहीं, पास्ट में हुआ है, तो इसके लिए आप कौन सा रूल का यूज करेंगे, देख लेते हैं कि आप भूल गए या फिर आपको याद भी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।